हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जो किसी भी डिव को, किसी भी एलिमेंट को जो है सेंटर में ला सकते हैं, एकदम 100% सेंटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी के अभी जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हो नहीं होता कि मैं दिन भर वीडियो बनाते रहूँ और कोई सब्सक्राइब ही ना करे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पे कोड दिखा देते हैं। तो बेसिक कोडिंग मैंने पहले से कर रखा ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो HTML CSS जो था लिख दिया, बॉडी को देखिए ब्लैक कलर कर दिया, डॉट डिव वन को मैंने एक हाइट और विड्थ देके इसका एक बैकग्राउंड दे दिया, और डिव टू को भी साथ सेम वैसा ही किया, एक हाइट और विड्थ देके एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। ये रहा छोटा मोटा कोड उसका, ये रहा उसका आउटपुट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डिव है, ये जो टील कलर का, ठीक है, बैकग्राउंड कलर का, जिसमें दिस इज ए टेक्स्ट लिखा है, इसको मुझे सेंटर में करना। तो इसके चार तरीके, ठीक है, चार। पहला तरीका उतना इफेक्टिव नहीं, क्योंकि इससे जो है हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए, हम लोग को डिव टू को सेंटर में करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एम कॉपी करूँगा, इसके लिए मैं सिंपली इस पर मार्जिन अप्लाई करूँगा और एकदम सेंटर में हो जाएगा। मार्जिन दिया, मार्जिन ऑटो किया, आप देखिएगा एकदम 100% सेंटर में आ गया, ठीक है, देखिए। लेकिन ये जो है सिर्फ एक्स एक्सिस थ्री, और इसका एक लिमिटेशन और है कि यहाँ जो है पहले आपको यहाँ पे आपका अगर डिव टू का अगर पोजिशन एब्सोल्यूट है तो ये सेंटर में नहीं आएगा, ठीक है, देखिए जी। तो ये सेंटर में नहीं आएगा, तो उसकी तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, तो डिव टू को पहले आपको किसी और एक डिव में डाल देना है। डिव यहाँ पे मैं एक डिव थ्री करके कोई डिव बनाता हूँ, डिव थ्री करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप खुद ही कर लेंगे, बहुत आसान है, आपको थोड़ा सोचना होगा, हो जाएगा। तो डिव थ्री को मैं पहले एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पे, डिव थ्री, इसका मैं क्या देता हूँ, क्लास नहीं, इसका मैं विड्थ दूंगा। विड्थ मैं सेम 100% दे सकता हूँ इसका, तो इसका विड्थ मैंने 100% दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो ये मार्जिन ऑटो था वो यहाँ ना देखे मैं सीधा यहाँ दूंगा। तो अभी देखिएगा मेरा जो ये एकदम सेंटर में चल जाएगा। तो ये सेंटर में नहीं गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्यों नहीं गया। डिव टू विड्थ थ्री का अगर मैं बॉर्डर दूँ, बॉर्डर देता हूँ पहले, देख लेते हैं कि मेरा बॉर्डर अच्छे से आ रहा है कि नहीं। सॉलिड ब्लैक, तो यहाँ ये ठीक से आया नहीं। तो विड्थ मैं कितना दूंगा, विड्थ मैं देख के देखता हूँ 200 पिक्सल, क्योंकि मेरा पोजीशन एब्सोल्यूट है इसलिए। तो भी आप देखिएगा कि मेरा जो एकदम सेंटर में आएगा वो, इसलिए तो यहाँ पे ये विड्थ 200 पिक्सल डालने पे ही ये एकदम सेंटर में आया, क्योंकि मुझे जो 200 पिक्सल के हिसाब से मुझे इसको मार्जिन कराना था इसीलिए, ठीक है। 100% डालने से ये विड्थ, 100% विड्थ डालने से मार्जिन, तो ये जो सेंटर में नहीं आएगा, ठीक, अगर आपने पोजीशन को एब्सोल्यूट कर रखा था। डिव थ्री को हटाता हूँ यहाँ पे, इससे भी हटाते हैं डिव थ्री को। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अभी मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा तो देखिए नॉर्मल पोजीशन में वो चल गया। अब मैं दूसरा ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे ये इसे ठीक करना है, मतलब सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है ग्रिड का यूज़ करिए, डिस्प्ले ग्रिड किया मैंने, ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड किया। अभी करूँगा तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, देखिए कुछ इस तरीके का है। अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूँगा अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर, तो अभी आप देखिएगा ये जो वाई एक्सिस में एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट को हटाया नहीं, यहाँ भी एब्सोल्यूट का प्रॉब्लम है, तो एब्सोल्यूट को हटाया डिव टू से। यहाँ देखिए जैसे मैंने इसे एकदम सेंटर, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो एकदम सेंटर में आ गया है वाई एक्सिस में। अब मैं चाहता हूँ कि सेम का सेम जो है ये जो है एक्स एक्सिस में भी आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था, आप देख सकते हो कि 100% सेंटर में आ गया। जैसे मैं पेज को छोटा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो एकदम सेंटर में आ गया। अब सेम चीज़ आप कर सकते हैं फ्लेक्स के साथ, यहाँ पर डिस्प्ले करना है आपको फ्लेक्स, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को मैं यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे ये ऐसा कमेंट नहीं होता, कोई बात नहीं। यहाँ पे सिंपली लिखूँगा मैं जस्टिफाई आइटम अलाइन आइटम सेंटर किया, देखिएगा ये जो वाई एक्सिस में फिर से एकदम आ गया है। अब फिर से यहाँ पे अगर मैं करूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये जो एक्स एक्सिस में भी सेंटर में आ गया। अगर सिंपली मैं इसे हटा दूँ, इस वाली लाइन को मैं हटा दूँ अलाइन आइटम, तो आप देखेंगे ये जो है सिर्फ एक्स एक्सिस में सेंटर में आएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फ्लिक्स वो ग्रिड भी काम करता था। अभी मैंने आपको एक दो तीन बता दिया, अभी चौथा पे आते हैं। चौथा है पोजीशन एब्सोल्यूट करके। सपोज करिए आपको जो एकदम डिव टू को एकदम सेंटर में करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे सिंपली इसको पोजीशन दीजिए एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको घिसकाइए 50% से, और लेफ्ट से घिसकाइए 50%। अभी अगर रिफ्रेश को तो कुछ अजीबोगरीब आउटपुट मिलेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक। अभी मैं करूँगा इसे ट्रांसफॉर्म और करूँगा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट के अंदर मैं दूंगा दो पेरीमीटर, पहला पेरीमीटर होता है 50% और दूसरा पेरीमीटर भी होता है 50%। ना, ऐसा नहीं होता, इसे देना पड़ता है माइनस और इसे भी देना पड़ता है माइनस, 50-50 नहीं चलता काम। अगर मैं 50-50 डाल के देखूँ तो आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे 50-50 मैच खेला जाएगा।
तो कुछ इस जगह पे आ गया। ठीक, अब अगर मैं -50 कर दूँ और यहाँ भी -50 कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि 100% सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो भी बोलोगे यहाँ तो ये डिव इसके सेंटर में आया ही नहीं, ये तो एकदम बॉडी के सेंटर में आया है, तो इसे इस रेड रेड वाले बॉक्स को सेंटर में, रेड वाले बॉक्स को सेंटर में करने के लिए आपको क्या करना है, रेड वाले बॉक्स को देना है आपको पोजीशन। यहाँ से पहले मैं डिस्प्ले हटा देता हूँ उसे, इसका पोजीशन रखना है आपको रिलेटिव। रिलेटिव इसलिए क्योंकि हमें जिस डिव को सेंटर में लाना है एब्सोल्यूट करके, उसके पेरेंट डिव को हमेशा रिलेटिव करना पड़ता है, नहीं तो वो जो है हमेशा बॉडी के रिस्पेक्ट में सेंटर में आ जाएगा। तो ये तो था 4 ट्रिक जिससे कि आप किसी भी डिव को जो बढ़िया आसानी से सेंटर में कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग हेडर बनाते हैं, मतलब कोई भी नेफ बार बनाते हैं, तो वहाँ पर सारा आइटम जो है एकदम सेंटर में रहता है, वाई एक्सिस में सेंटर में, तो उसके लिए आप ग्रिड यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हो, तो ये सब बहुत आसानी यूज़ करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।